स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वो कहाँ देख रहे हैं और कहाँ आज है आपके लिए कमाई की रणनीति। स्वागत करना चाहेंगे सोनी पटनायक, प्रशांत सावंत और साथ ही मितेश पांचाल का। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सोनी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आज के कौन सी हैं आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सृष्टि जी, डिम्पी जी, अभिषेक जी, सारे पैनलिस्ट एंड दर्शकों को। इसके पहले बिकॉज बैंक निफ्टी काफी अग्रेसिवली यहाँ से मुझे लॉन्ग लग रहा है। इनफैक्ट रोल ओवर के टाइम से ही हमको काफी अच्छा लग रहा था बैंक निफ्टी में। एक अप्रैल सीरीज में टारगेट भी मैंने आपसे इनिशियली डेज पे शेयर किया था, 49,550,000 टेस्ट कर सकता है अप्रैल सीरीज में। अभी भी वो टारगेट काफी इंटैक्ट है। सो इसी बेसिस पे पहला ट्रेडिंग कॉल रहेगा एक हैवी वेट फ्रॉम बैंक निफ्टी स्पेस, वो है SBI। SBI में हमने देखा है कि काफी बार उसने कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, फ्रॉम 780-790 हाई से 730 के पास एक बार करेक्ट हुआ था, वहां से दोबारा बाउंस कर रहा है और यहाँ से मुझे लगता है कि 730 का एक अच्छा इमीडिएट सपोर्ट बन गया है। सो SBI करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। अगर आपको हल्की सी भी डिक्लाइन नजर आती है टुवर्ड्स 750, आप वहां तक भी बाय कर सकते हैं। एक अच्छे से पोजिशनल बेसिस पे लॉन्ग बिल्टअप पोजिशंस भी बना हुआ है, अच्छे रोल ओवर्स भी हुए हैं टू अप्रैल सीरीज। तो SBI 730 स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका रहेगा 800-810। सो ये रहा है पहला पिक। दूसरा पिक रहेगा केमिकल पैक में से। केमिकल्स में हमने देखा है कि काफी टाइम से एक अच्छे मोमेंटम पे चल रहा है एंड इनफैक्ट पोजीशंस फ्रेश बन रही है, यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस बन रहे हैं एंटायर पैक में। बहुत टाइम के बाद एक वो शॉर्ट स्क्वीज हो रहे हैं सिस्टम से और फ्रेश पोजीशंस ऐड हो रहे हैं। सो केमिकल स्पेस में से हम देखेंगे यहाँ पे एंटायर पैक में से GNFC काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। सो GNFC हम देखेंगे 700 के ऊपर क्लोज दिया है, यहाँ पे एक फ्रेश ऑप्शन चेन ब्रेकआउट आया है बिकॉज उसने 700 के ऊपर क्लोज भी दिया है। 680 स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हैं, 750 टारगेट है। तो SBI यहाँ पे रखिए नज़र, क्योंकि आज बैंक निफ्टी पे ज़रूर नज़र रहेगी और PSU बैंक में से लीडर SBI यहाँ पे सोनी का भरोसा कायम है। 810 के टारगेट्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं, 730 का स्टॉप लॉस लगाना है और केमिकल स्पेस पे भी नज़र रखिए, ऐसी राय आ रही है सोनी की तरफ से। GNFC उनमें से एक काउंटर है जहाँ पर उनके दिए गए लक्ष्य और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है। पर प्रशांत, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर हैं आपके ट्रेडिंग आइडियाज़। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सृष्टि, अभिषेक जी, डिम्पी जी एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो यहाँ पे जो दो स्टॉक जहाँ मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में अच्छा अट्रैक्शन आ सकता है, फर्स्ट पिक होगा L&T फाइनेंस होल्डिंग। यहाँ एक अच्छे डिप आई है तो 165 के जस्ट स्पॉट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के हम 180 का टारगेट रखेंगे। अगर 180 के ऊपर क्लोज मिले मेरे हिसाब से 185-188 तक भी ये जा सकता है, तो ये मेरी फर्स्ट पिक होगी। नेक्स्ट पिक होगी हेवल्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है काफी स्ट्रेंथ है और वॉल्यूम भी पिकअप हो रहा है, तो 1525 स्पॉट क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख के हम 1600 का टारगेट रखेंगे, 1600। ठीक है, तो ये L&T फाइनेंस होल्डिंग और हैवेल्स, ये दो शेयर और दोनों के दोनों खरीदारी के प्रशांत जी की तरफ से भी। मितेश जी गुड मॉर्निंग, आपके शेयर कौन से हैं सर? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग दिलीप जी, गुड मॉर्निंग सृष्टि जी और टू द पैनलिस्ट और दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। तीन शेयर है जो सिस्टम और मेथड ने आइडेंटिफाई किए हैं। पहला है नाइका। अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे नाइका की तो 152 के ऊपर एक एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड कंफर्म हुआ है और हमें लग रहा है कि दिस इज नथिंग बट अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड। तो नाइका में 168.50 पे खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे 152.50 का और टारगेट यहाँ पे रहेगा 188.75 का। दूसरा है सुप्रीम इंडस्ट्री। सुप्रीम इंडस्ट्री में 4200 के ऊपर वीकली और मंथली चार्ट के कॉम्बिनेशन में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। सो 4356 के ऊपर सुप्रीम इंडस्ट्रीज खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 3915 और टारगेट रहेगा 4791। और तीसरा जो स्टॉक है वो टीम लीज है। टीम लीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ है बिटवीन 2800 और 2900 और 2918 के ऊपर डेली और वीकली चार्ट के कॉम्बिनेशन के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। तो टीम लीज में 3049 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 2745, टारगेट रहेगा 3354। ठीक है सर, आपके सारे ट्रेड मेरे को दिख गए हैं। मैं टीम लीज को ही देख रहा था एक्चुअली कि वहां पे किस तरह का मोमेंटम है। बहुत बढ़िया एक चार्ट है, एक 200 दिनों के एवरेज
बना हुआ है और उसके बाद ये 50 दिन के एवरेज को पार भी करके आया। मैं सभी मेहमानों का एक बार आपको वापस से ट्रेड बता देता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। पहले सोनी की कॉल से शुरू करते हैं। सोनी ने एक बैंकिंग का लीडर दिया है SBI। देखिए HDFC और SBI दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है और ये ना केवल बैंक निफ्टी को तेज़ी से ऊपर लेके आता है बल्कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं दोनों। अपने आप में इंडिविजुअल चार्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो SBI और HDFC, दूसरा इनकी कॉल सिर्फ SBI, हाँ क्लियर कर दूँ। दूसरा है GNFC, केमिकल्स के अंदर टर्न अराउंड हो रहा है। एक शेयर हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, भगवान की कृपा से वो चल गया। प्रशांत जी आपको याद है आपसे मैं पूछता था कि हमारा ही शेयर नहीं चलता इस दुनिया में, पूरा बाजार चल गया, ऑल टाइम हाई चल गया, टाटा केमिकल नहीं चला। सर वो टाटा केमिकल चल गया सर, वो आपको बधाई हो उसके 3% ऊपर आ गया। प्रशांत जी सुन रहे हैं ना आप? जी जी डिम्पी जी, तभी भी मैंने आपसे कहा था कि डेफिनेटली ये मैंने रेकमेंड भी किया है क्लाइंट्स को, जब तक ये 1070-75 जोन के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, ये कंफर्टेबली 1150 जाएगा, उसके ऊपर क्लोज हो तो नेक्स्ट लेवल सीधा 1250-1300। 1150 के ऊपर क्लोजिंग अभी बाकी है, मुझे लग रहा है ये होने के बाद नेक्स्ट जो स्ट्रांग हुए वो डेफिनेटली इस काउंटर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर प्रशांत जी की मेरी तरफ से दे देता हूँ। उन्होंने अपने क्लाइंट्स को ये शेयर दिलवाया हुआ है, हमारे साथ भी चार्ट साझा हुआ था, हमने खुद भी इसको नोटिस किया था और आपके सामने बात रखी थी। खैर मैं प्रशांत जी की कॉल्स बता देता हूँ आपको। L&T होल्डिंग्स है और हेवल्स है, ये दो सौदे और हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, सर की तरफ से दिए गए हैं। मितेश पचाल के सिस्टम और मेथड कह रहे हैं नाइका, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और साथ ही टीम लीज, ये कुछ एक शेयर और भी हैं जो आपको ध्यान रखना। हाउसिंग ये करीब 4,000 करोड़ रुपया रेज करना चाहता है प्रशांत जी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट चल गया, हाउसिंग भी चलने को तैयार था, खबर भी आ गई है 111 रुपये के रेट पे रेज करेंगे पैसा। जरा बताइए सर क्या करना है इंडिया बुल्स हाउसिंग? अगर हम देखें तो ये काफी बार 185-190 इस जोन पे रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से मैं वेट करूंगा कि एक बार 190 के ऊपर क्लोज कर दे। 190 के ऊपर क्लोज करने के बाद मेरे हिसाब से इसको कंफर्टेबली हम 175-178 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं फॉर टारगेट्स अराउंड 220-225। ठीक है मितेश जी, जरा सिग्नेचर ग्लोबल आप चेक करना, इसका क्वार्टर फोर का अपडेट आया है कि प्री सेल्स इन्होंने 100% से ज़्यादा बढ़ाई हैं, 112% की बढ़ोतरी है, कलेक्शंस भी बढ़कर 3,000 करोड़ का नंबर पार कर गया, पॉजिटिव न्यूज़ है, बिजनेस अपडेट ठीक है। जरा एक बार सिग्नेचर ग्लोबल आप ये जरा चेक कर लीजिए। ये अगर सिग्नेचर ग्लोबल का चार्ट देखें तो 1250 से लगातार एक हार्ट ऑफ हार बॉटम बन रहा है स्टॉक्स में और हमें लग रहा है कि बेस्ड ऑन आवरली चार्ट और डेली चार्ट एक एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड मिलेगा। हावेवर 1330 एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस हो जाए डिम्पी जी तो डेफिनेटली स्टॉक जो है वो 1380-1420 के बीच में ट्रेड हो सकता है, तो 1330 के लिए वेट करना चाहिए। सो 1330 अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर डेली चार्ट के ऊपर क्लोज देता है तो उसके बाद 1280 के स्टॉप लॉस से उसको लिया जा सकता है। पहला टारगेट रहेगा 1380, दूसरा टारगेट रहेगा 1420। चार्ट देख लिया होगा, जरा बता दीजिए, रिपोर्ट हम चला देते हैं स्क्रीन पर, रिपोर्ट दिखाइए स्क्रीन पर सोनी बताइए। जी डिम्पी जी, टाइटन पे 3700 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बट रेजिस्टेंस है यहाँ पे 3780-3800 पे। मेरे ख्याल से आप इसको अक्यूमुलेट करते हैं पर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको अपमूव तभी नजर आएगा जब वो 3800 के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाता है, उसके ऊपर आपको एक पोजिशनल बेसिस पे 4000 भी टेस्ट करवा सकता है। सो 3700 स्टॉपलॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए, ज्यादा कन्विक्शन आपको रेजिस्टेंस क्रॉस होने के ऊपर ही आपको वो अपसाइड, एक अपसाइड मूव आपको नजर आएगा। ठीक है, रिपोर्ट ये तो बता रही थी कि 4000 की तरफ बढ़ सकता है, सोनी ने भी ये कहा कि 4000 की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन जो एक कैवेट था जो एक टेक्निकल वाला ही बता सकता है कि इस लेवल के बाद स्पीड से बढ़ेगा वो आपको सोनी ने बता दिया।